हेलो फ्रेंड्स, फ्रेंड्स इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कैसे हमें वाटर कंजर्वेशन करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं सुबह से। सुबह हम उठते हैं, उसके बाद हम लेटरिन जाते हैं। तो यहाँ हमें प्लेज करना है कि हम दो गड्ढों वाला जो है वो टॉयलेट बनवाएंगे आगे और उसको प्रमोट करेंगे। दो गड्ढों वाले टॉयलेट बनाने से होगा क्या, वो आप सब जानते हैं। पानी को बचाना है हमें, और पानी को बचाने के डायरेक्ट मेथड होते हैं और इनडायरेक्ट मेथड ज़्यादा होते हैं, ठीक है। और कोई भी अगर हमको काम करना है तो वो तीन लेवल पे होता है, इंटरनेशनल लेवल पे, नेशनल लेवल पे और इंडिविजुअल लेवल पे। तो अब हमारी नेशनल गवर्नमेंट है, फिर वो अपना काम करती है स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू, और कम्युनिटी के थ्रू भी अपना वो काम कराती है। बट जब तक हम इंडिविजुअल लेवल पर काम नहीं करेंगे, व्यक्तिगत लेवल पर काम नहीं करेंगे, तब तक कुछ होना नहीं है। तो दो गड्ढों वाला जो टॉयलेट है वो आप बनवाएं, उसको प्रमोट करें, ठीक है। उसमें आप जो है वो इन्वेस्टमेंट करें, अगर आप इन्वेस्टर हैं या अगर आप इन्वेस्टमेंट आगे करना चाहते हैं तो यहाँ से आप शुरुआत करो। सबसे पहले आपने एक्सक्रीशन किया, एक्सक्रीशन करने के बाद में फिर आपने क्या किया, फिर आप लेते हो ब्रेकफास्ट, ठीक है, लंच डिनर ये सभी आप काम करते हो। तो इसमें क्या है कि आपको वेजिटेरियन डाइट को प्रमोट करना है। क्यों? क्योंकि वेजिटेरियन डाइट को बनाने में जो एनर्जी कंजम्पशन है वो कम खर्च होता है। एनर्जी कंजम्पशन जहाँ ज़्यादा होगा वहाँ वाटर की भी ज़रूरत ज़्यादा होगी, तो पानी की कमी को हम दूर कर सकते हैं इससे। पोर्टेबल वाटर की बात हो रही है, क्योंकि एनर्जी प्रोडक्शन में पोर्टेबल वाटर का इस्तेमाल होता है। फूड आइटम की अगर हम बात करें तो पर यूनिट अगर आपको मीट प्रोड्यूस करना है तो उसमें ज़्यादा पानी खर्च होगा, और पर यूनिट अगर आपको अनाज प्रोड्यूस करना है तो उसमें पानी ऑब्वियसली बहुत कम खर्च होगा एज़ कम्पेयर टू मीट प्रोडक्शन। तो आपको क्या करना है कि वेजिटेरियन डाइट को प्रमोट करना है, उसको अडॉप्ट करना है इंडिविजुअल लेवल पे। जब आप करोगे, सारे लोग करेंगे, तो धीरे 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 जो पोर्टेबल वाटर है उसका जो मिसयूज है वो कम होगा, ठीक है। उसके बाद फूड हो गया, फूड के बाद में लैंड, आपका मकान या जो है जहाँ आप रहते हो, आपको लैंड एनक्रोचमेंट नहीं करना है, रिवर्स के पास में बिल्कुल नहीं करना है, और जो मार्शी लैंड है उस पर भी एनक्रोचमेंट नहीं करना है, ना करने देना है किसी को। अगर कोई कर रहा है तो आप कंप्लेन करें, ठीक है। तो लैंड एनक्रोचमेंट जो होता है, और जो लैंड एनक्रोचमेंट की वजह से जो मार्श लैंड है हमारा, मार्शी जो एरिया है, ठीक है, जिसे दलदली इलाका कहते हैं, वो पानी के लिए, हमारे लिए नहीं है वो, तो उसको आपको बचाना है, ठीक है। और ख़ुद भी आपको जो है वो लैंड का एनक्रोचमेंट नहीं करना है, ठीक है। फिर इलेक्ट्रिसिटी हम यूज़ करते हैं, पेट्रोल हम यूज़ करते हैं, तो इसका भी हमको ज्यूडिशियस यूज़ करना है, क्योंकि ओवर कंजम्पशन अगर हम किसी भी चीज़ का करेंगे तो ओवर कंजम्पशन से होगा क्या कि एनर्जी प्रोडक्शन हमको बढ़ाना पड़ेगा, और एनर्जी प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए फिर हमको इनडायरेक्टली वाटर का यूज़ करना ही पड़ता है। तो लैंड हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गई, पेट्रोल हो गया, सिंगल यूज़ प्लास्टिक हम नहीं यूज़ करें, ये हमारे हाथ में बहुत आसान है, इसमें कोई कॉस्ट नहीं आएगी। जितने भी मैंने आपको ये रेमेडीज़ बताई हैं इसमें आपकी कोई कॉस्ट नहीं आनी है, ज़ीरो कॉस्ट है ये इन सब में। अब बात करते हैं क्रीमेशन की। तो क्रीमेशन यानी जो अंतिम संस्कार होता है, तो उसमें क्या है कि वहाँ आपको रिवर में डेड बॉडी को नहीं फ्लो करना है, और इलेक्ट्रिक वाला जो सिस्टम है उसको फॉलो करना है, क्योंकि अगर आप लकड़ी का भी इस्तेमाल करते हो, वुड का, तो अननेसेसरी आप लकड़ी कटेगी, जंगल कम होंगे, तो तभी भी पानी की जो है वो कमी होगी, क्योंकि जो हमारे इंडियन सिस्टम है, ट्रॉपिकल सिस्टम, उसमें ग्लेशियर फेड और रेन फेड दो तरीके के हमारे जो है वो रिवर्स होती हैं। तो जो ग्लेशियर फेड हैं वो तो ग्लेशियर से जो है वो उनकी पूर्ति हो जाती है, और जो दूसरी हैं वो फॉरेस्ट फेड हैं, ठीक है। तो फॉरेस्ट की वजह से ही रेन वाटर जो है वो वहाँ पे रुकता है और वो नदियों में जाता है, तो फॉरेस्ट की कटिंग होगी तो अननेसेसरी, आप समझ सकते हो। तो हमको क्रीमेशन में जो है वो क्या करना है कि पूरी तरीके से इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करना है, और रिवर के जो वाटर बॉडी है उसको गंदा नहीं करना है, ये हम कर सकते हैं, इसमें हमारी ज़ीरो कॉस्ट है। सिंगल यूज़ प्लास्टिक नहीं इस्तेमाल करना है, तो ऐसे अगर हम काम करेंगे तो वाटर कंजर्वेशन में हमारी कोई कॉस्ट नहीं आएगी। इंडिविजुअल लेवल पे हम ये काम करें, ये प्लेज करें, और इसको हमको करना चाहिए और दूसरों से भी कराना चाहिए, तो आसानी से हम वाटर को कंजर्व कर सकते हैं। हमें हीरो बनना है, लीड करना है, लीडरशिप अपने इंडिविजुअल लेवल पे करनी है, और वाटर कंजर्वेशन को जो है वो अपहोल्ड करना है, यही हमारी ड्यूटी है। थैंक यू।